लो तो 18 फुट से कम नहीं होगी या नहीं ज्यादा? उरे को रखाओ जी, चलोगे? दोस्तों नमस्कार, आज हम नीटू जी खेत में पहुंचे हैं, जो इनकी पेड्डी है इसमें अपना दाली डस के प्रोडक्ट लग रहे हरियाला और कल्चर बी बूस्टर। तो नीटू जी क्या महसूस कर रहे हो आप इस दवाई से? जी महसूस तो भाई साहब दुद्धा हेडी से आ रहे मंसूरपुर से, ये बताएंगे जी कैसा लग रहा है इनको करना? भाई लगता है सर आज की हाइट तो जो है 17-18 फुट से कम नहीं है, 1800। अच्छा 17-18 फुट की हाइट के लगभग जा रहा जी है। हाँ जी। तो जैसा बाबू जी आप भी अच्छी सौंक की खेती करो तो आपके यहाँ इतना गन्ना है? नहीं जी, हमारे पास इतना लंबा गन्ना हमने तो आज देखा है। और दो बात है जिसमें जो मतलब अलग है, एक तो बिल्कुल जहर मुक्त है जी ये, और दूसरी बात है आप जो है गोड़े की हरियाली देखो कि इतना हरा गोड़ा है, हरियाली काफी है, जो 38 मनु कहता है गोड़ा है ही नहीं, लेकिन काफी हरियाली है, काफी हरियाली है। और इसका वजन तो मुझे 130-135 क्विंटल का। अच्छा 130-135 क्विंटल आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि खेत बता रहा जी, खेत बता रहा, इसमें छुलाई भी लग रही है। और लोग कह देने भाई ये आगे तो 14 होगा जी, आपके अकॉर्डिंग 14 है, 38 ही है ये? नहीं 38 ही है। हाँ कह देने लोगों के, 19 ही हो, इससे कम नहीं होगी। 19 फुट तो इधर से हो सकती है, इधर से कोई लगाओ जी। अच्छा लगभग 18 से 19 फुट की हाइट लग रही है गन्ने की, और 135-140 जी, चलो आप 135-140 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से हम भी कर रहे हैं 38 के, हमारे पास तो हमने इतना लंबा गन्ना 38 का देखा नहीं। जी 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 देखो सर जी, आपने मान लो सरसों का भी खेत देख लिया और गन्ने का भी देख लिया, तो दोनों चीजों आपको रिजल्ट अलग लगा? हाँ जी अलग लगा गेहूँ में। जी जी, और गेहूँ में जी? गेहूँ भी देखा, गेहूँ में ब्याह तो बहुत है। चलो गेहूँ का भी देखा गया जी, कम टाइम का बोया हुआ है। जी जी गेहूँ का भी देखा गया। चलो पहले गन्ने की बात कर लेते हैं जी। तो जैसे आप मान लीजिए दूर से आ रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर से, क्या 125 होगा? हाँ। तो आप देख कर पर्सन हुए जी? हाँ पूरे संतुष्ट हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया जी, तो हमने हम भी लगाओगे इसे। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी। देखो मान लीजिए हमारा किसान संतुष्ट है तो हम जब भी तो हम भी सोचेंगे हम सफल है जी। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आ जाओ आराम से। नहीं है इतना।